2024 में 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरा करें भाई, इतना इजी है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये पूरा वीडियो देखिएगा, आज मैं वो ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे हमने एक महीने के अंदर में 5000 सब्सक्राइबर कर लिया। लेकिन आज 5000 नहीं, ओनली 1000 के बारे में बताने जा रहे हैं। ये पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए, और ये इतना इन्फॉर्मेटिव है जिससे आपकी चैनल भी ग्रो हो जाएंगे। तो 1000 सब्सक्राइबर इजिली आप कर सकते हैं। आपको 1000 सब्सक्राइबर करने में बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ता है न्यू मेंबर के लिए। भाई जब चैनल स्टार्ट होता है, हर कोई का सोच रहता है भाई हमारा कब 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, चैनल मोनिटाइज तो लाइक हो जाए, फिर आगे कुछ करेंगे। तो वही सपना आज मैं पूरा करवा दूंगा, आपको देखना है भाई। यूट्यूब पे आपको पैसा कमाना हो, या आपके चैनल को ग्रो करना है, या आपके 1000 सब्सक्राइबर करके लाखों में छापना है, तो भाई किस तरीके से कर सकते हैं यही मैं आज बताने जा रहा हूं। क्योंकि YouTube पे मेंबरशिप बहुत जरूरी होते हैं। 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए आपको सबसे पहले लॉयल फैन बनाना पड़ेगा। लॉयल फैन क्या है वो चीज समझिए। आप जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसको लॉयल फैन, यानी आप उनका दिल जीतिए। उनको ये लगना चाहिए इनके वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो सीखेंगे ही नहीं। उस तरीके से वीडियो बनाइए। लॉयल फैन आप किस तरीके से बना सकते हैं ये चीज समझिए। लॉयल फैन बनाने के लिए आपको लॉयल काम करना पड़ेगा, आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। बहुत सारे मेंबर आया है यूट्यूब पे, कुछ भी बोल के चला गया, 10 गाली दे के चला गया। देखो उसकी वीडियो लाखों करोड़ों में है, लेकिन हम और आप जैसे मेंबर जो मेहनत से बनाते हैं उसकी जल्दी होता नहीं है। क्यों? यही रीजन है, क्योंकि उसके लॉयल फैन हैं। हर कोई गाली सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और देना चाहते हैं, लेकिन अच्छी चीज कौन कंटेंट यूज करना चाहते हैं ये चीज आपको समझना चाहिए। तो आपको जो है ना अच्छा वीडियो बनाइए, 1000 सब्सक्राइबर चुटकियों में आ जाएंगे। आज वही जो है ना कुछ तरीके बताऊंगा जो आपको करना चाहिए जिससे हो जाएंगे। 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए आपको लॉयल फैन के साथ साथ आपकी हाई क्वालिटी कॉन्टेंट बनाना चाहिए। हाई क्वालिटी कॉन्टेंट ये है, ये नहीं बोल रहा हूं लाखों करोड़ों के भाई कैमरा से शूट करो। जो मैं अभी शूट कर रहा हूं ना वो मोबाइल से है, और कोई बोल सकता है मोबाइल से है? भाई उसको जो है ना मोबाइल से शूट करो, जो लाइटिंग है ना उस लाइटिंग पे ध्यान दो, और साथ में उसको एंगेजमेंट बनाओ, कुछ वीडियो एडिटिंग स्किल अपना इंप्रूव करो, जिससे मेंबर को देखने में लगे भाई ये यूट्यूबर बहुत अच्छा है, इसका वीडियो देख के हमको सीखने को मिल जाएगा। वो चटिन आप पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर देगा। जब आपकी वीडियो ही बोरिंग होगा तो आपको कौन सब्सक्राइब करेगा, ये चीज समझना चाहिए। तो हाई क्वालिटी होना चाहिए, और साथ में आज के टाइम में एक चीज और होना चाहिए, आपकी वीडियो क्वालिटी के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी। देख रहे हैं यहाँ पे मैक है, ये मैक क्यों लगाए हैं, जो आपकी जो सुनने की क्षमता है वो बेटर कर सके, मेरी जो आवाज है उसको आसान और अच्छा कर सके, इसलिए मैक लगाते हैं। वैसे भी हम बोल सकते हैं कैमरा में कैच भी होगा, लेकिन वो आवाज फ्रेश नहीं होगा। जब आप साउंड में या बड़े बॉक्स पे चलाओगे वो आवाज फटेंगे, लेकिन ये आवाज नहीं फटेंगे, जिससे क्या होंगे देखने में अच्छा होंगे। और एक चीज और होता है, ये देखिए हर कोई अब मोबाइल से ही नहीं देखता, कोई लैपटॉप से देखता है, डेस्कटॉप से भी देखता है। अब यूट्यूब तो टीवी पे भी आने लगे हैं, तो भाई आप कंटेंट क्वालिटी अच्छा नहीं बनाओगे, वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं रहेंगे, टीवी पे फट जाएंगे, तो आपको देखेगा कौन, जब देखेगा नहीं तो सब्सक्राइब कौन करेगा। बहुत सारे मेंबर यही गलती करते हैं, और यहां गलती करके पछतावा करते हैं। क्योंकि देखिए जो हम मोबाइल पे देख रहे हैं, आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल वाले कर लेंगे, जो टीवी पे देखेंगे बड़ा स्क्रीन होता है भाई, इतना बड़ा स्क्रीन होता है, और उसको आपका जो क्वालिटी है वो फटेगा, तो भाई आपका सब्सक्राइब क्यों करके रखेगा, ये चीज समझना चाहिए। तो इस तरीके से आपसे बचना होगा, और हाई क्वालिटी कंटेंट और ऑडियो क्वालिटी के साथ बनाना होगा। तीसरा चीज है आपके वीडियो एंगेजमेंट बनाना पड़ेगा। जो हाई क्वालिटी कंटेंट में आप वीडियो बना रहे हैं क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको एडिटिंग स्किल से और भी धमकदार बना दीजिए। जो आपकी वीडियो में बोरिंगनेस लग रहा है, जो थोड़ा बोरिंग लग रहा है ना उसको हटाइए, उससे क्या होंगे आपकी वीडियो को पूरा देखेंगे, उसका जो है ना फैन बेस आपका बन जाएगा। बहुत सारे मेंबर ये गलती करते हैं, जैसे एडिट किया डाल दिया, मोबाइल लिया शूट किया भाई थोड़ा कट कट करके डाल दिया। इस तरीके से आज के टाइम में आपकी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। आपके जो व्यूअर हैं सब्सक्राइबर हैं उनको लगना चाहिए आप अपने वीडियो में बहुत मेहनत करते हो, उनको ये लगना चाहिए आप जो है जो भी वीडियो बना रहे हैं वो बहुत खास हैं। आप जब तक देखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं,
बहुत सारे मेंबर, जैसे आप वीडियो एडिटिंग स्किल के बात कर रहे हैं, हमारे फील्ड के एलग्रो जानते होंगे, डिकोडी जानते होंगे, वो सब क्या करते हैं, यही तो करते हैं भाई, इस तरीके से एडिटिंग करते हैं जो एडिटिंग देख के ही उनको लगता है जो भाई क्या से क्या हो गई। आप एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, जैसे मनोज दे, उसकी 6 मिलियन है लेकिन व्यू भाई 1 मिलियन भी नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये न्यू जमाना का एडिटिंग स्किल है, इसलिए वो इंप्रूव नहीं हो रहा है। और देखिए एल्गोरो का, वो भाई 1 मिलियन भी नहीं है लेकिन उनके वीडियो कितने जा रहे हैं। वीडियो एडिटिंग स्किल इंप्रूव करने से ये फायदे होते हैं, अगर मान लीजिए मिलियन मेंबर भी आते हैं तो 1 लाख से ज्यादा तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेंगे, ये चीज आपको हो गया। अगला पॉइंट होते हैं एसईओ करना। एसईओ क्या होते हैं ये चीज समझिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने टारगेट ऑडियंस के पास पहुंचना, जैसे न्यू मेंबर है ये हमारा, जो भी वीडियो देखेगा अगर न्यू मेंबर देखेगा वो हमारा सब्सक्राइब जरूर करेगा, जिसका 1000 सब्सक्राइब नहीं हुए वो जरूर कंप्लीट करेगा, क्यों? क्योंकि उसकी रीजन है भाई, उनको लगेगा जो हमारे लिए वीडियो बनाया गया इसलिए वो सब्सक्राइब जरूर करेगा। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी मोनिटाइज है क्या ये वीडियो पूरा देखेगा? नहीं देखेंगे, तो वो क्या करना होगा, जो हम न्यू यूट्यूबर के पास भेजना पड़ेगा जिसका 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे मेंबर यहीं पे गलती करते हैं और यहीं से जो है ना हट जाते हैं, तो भाई ये गलती मत करो। अब किस तरीके से करना है एसईओ वो चीज समझिए। टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग, इसमें वो कीवर्ड डालना है जो आपके टारगेट ऑडियंस हो, जो 1000 सब्सक्राइबर से कम वाले मेंबर हो, वो उस टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना होगा और ये वीडियो उसी को सिर्फ दिखना चाहिए, ये नहीं चैनल मोनिटाइज हो जाए। एसईओ करने से ये फायदा होते हैं। और जब आप मान लो एसईओ करते हो उसी ऑडियंस के पास जाते हैं, जो न्यू यूट्यूबर है उसके पास जाएगा तो क्या है, उनको सब्सक्राइबर की जरूरत है तो ये हमारा पूरा वीडियो देखेगा, अरे पूरा वीडियो देखेगा तो वो सब्सक्राइब भी करेगा क्योंकि उनको सीखने की चाह पड़ेगी। और जो ऑलरेडी मोनिटाइज हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, क्या वो हमारे वीडियो देखेंगे? ये वीडियो नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि उनको 1000 सब्सक्राइबर की कोई जरूरत ही नहीं है, हमारे दूसरे वीडियो देखेंगे, अर्निंग वाले सब देखेंगे। तो ये चीज होता है एसईओ करके। एसईओ करने के लिए आपको वीडियो बनाने से पहले, आप जो वीडियो बना रहे हैं उसकी मेन कीबोर्ड क्या है, जैसे ये इस वीडियो का मेन कीबोर्ड है 1000 सब्सक्राइबर, तो भाई 1000 सब्सक्राइबर किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो चीज समझिए। 1000 सब्सक्राइबर यूज करने के लिए आप हमेशा याद रखिए उस पर जितने भी कीवर्ड है उसको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग में इंप्रूव करना पड़ेगा, जिसे यूट्यूब को समझ में आ जाए ये कीवर्ड पे फिट बैठता है, इजिली आपकी वीडियो को वायरल करेगा और ट्रेंडिंग में भी भेज सकता है और ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन भेजेगा जिससे आपकी वीडियो पे कैचिंग आएंगे और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर आ जाएंगे। और ये चीज जो है ना एक और महत्वपूर्ण होता है, अगर आपको न्यू मेंबर चाहिए तो न्यू मेंबर के लिए आपको टाइटल झकास रखना पड़ेगा और आई कैची थंबनेल बनाना पड़ेगा। आई कैची टाइटल और थंबनेल किस तरीके से बनाए ये चीज देखिए। टाइटल देख के ही पता चल जाए, थंबनेल देख के ही पता चल जाए जो आपके वीडियो में क्या सीखने को मिलेगा, तब आपके मेंबर जल्दी क्लिक करेंगे। क्यों ऐसा क्यों है ये चीज समझिए। यूट्यूब पहले आप वीडियो के अंदर में क्या बोले हैं, क्या सिखाए हैं, उससे कोई नहीं मता है, ओनली 2 चीज भेजता है, टाइटल और थंबनेल। अगर टाइटल और थंबनेल झकास है, बहुत अच्छा है, तो आपकी वीडियो रैंक करेगा ही करेगा, क्यों? आप ये चीज आप समझिए। जिस तरीके से कोई सर्च कर रहा है 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरा करें या 24 में 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरा करें, तो मेंबर को क्या लगेगा ये चीज समझिए। मेंबर को ये लगेगा भाई 1000 सब्सक्राइबर किस तरीके से, तो उस पर हजारों वीडियो आ जाएंगे जिसमें टाइटल अच्छा दिखता है, थंबनेल अच्छा दिखता है, उस पर मेंबर क्लिक करता है। तो भाई आपको टाइटल और थंबनेल पे हमेशा टाइम देना चाहिए, जितना आप वीडियो पे दे रहे हैं उतना अगर टाइम थंबनेल और टाइटल में दे दोगे तो आपकी गारंटी है वीडियो थोड़ा ऊंच नीच भी हो जाएंगे ना, फिर भी आपकी क्लिक जो है ना रेट आएंगे, व्यू आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे। तो ये चीज आपको समझना चाहिए और जल्दी सब्सक्राइबर के लिए ये सब पॉइंट आप नोट करके रख लीजिए, जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। होप आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।